फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ चटपटा मटर बनाने, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए, इसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। देखिए, जैसे जैसे मैं जो सारा इन्ग्रीडियंट डालूँगी उस तरह से आप लोग को बताऊँगी। पहले मैं पैन गर्म कर लूँगी। आप देख सकते हैं गैस ऑन करके मैंने पैन गर्म कर ली। इसमें एक चम्मच के लगभग मैं सरसों आल डालूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले बटर को डाल करके इसको हल्का सा भून लूँगी। एक से दो प्याज मैंने लिए हैं। एक प्याज को मैंने कट किए हैं, एक को स्लाइस किए हैं, एक से दो मिर्ची है इसको कट कर लिए हैं। टमाटर है, दो से तीन छोटी आलू मैंने लिए थे, देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं मसाले ऐड करूँगी वैसे वैसे बताऊँगी कितने अच्छे लगभग लगेगा उसे फ्राई होने में। ठीक है, भून चुके हैं लगभग एक मिनट के लगभग लग जाते हैं। अब मैं इसे एक मिनट ट्रांसफर कर लूँगी और आधी चम्मच के लगभग मैं तेल डालूँगी। पैन ऑलरेडी गर्म है, इसमें थोड़ी सी आलू डाल लें। बस आधी चम्मच के लगभग आलू डालना है और इसे गर्म करके इसमें आप सबसे पहले जीरा डालें। जीरा जब तड़कने लगे तो मैं इसमें मिर्च जो मैंने कट किए हैं नीम मिर्च वो डाल लें। आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें ओनियन डालूँगी तो मैंने कट कर लिए थे ओनियन। ओनियन हल्का सा पक जाएगा तो मैं इसमें टोमेटो छोटी टमाटर है तो मैंने लिए थे टमाटर, उसको कट कर लेंगे कम देखते हैं क्योंकि ज़्यादा दुकान में कट नहीं करना हो। आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया हुआ है, इसमें मैं टमाटर ऐड कर लूँगी। इसे भी आप मिक्स कर लें, देख सकते हैं इसमें मैंने ये सब्जी मसाले हैं, एक चम्मच के लगभग सब्जी मसाले ऐड करना है इसमें। और दो चुटकी के लगभग मैं इसमें डालूँगी चीनी। अभी मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर ऐड कर लें। आधी चम्मच के लगभग अभी मैं इसे आधी चम्मच से कम ही थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली का यूज़ किया है, मीठा अधिक हो जाएगा। इन सबको मिक्स कर लें। उसके बाद आप मटर जो है 25 ग्राम के लगभग मैंने मटर लिए, इन्हें भी ऐड कर लें इसमें और इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया तो मैंने ये जो फ्राई आलू लिए थे इन्हें ऐड कर लें। ये बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है जो आप लोग को पसंद हो गया। इसमें छोटी चम्मच से मैंने एक चम्मच के लगभग, इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा ना ये वाली छोटी चम्मच है। अब देख सकते हैं किसी चम्मच से आप ही डालें तो बच्चे को टिफिन में यूज़ किया जाता है, तो वाली ये छोटी स्पून है। इसको तो मिक्स कर लें, इसको मिक्स कर लें। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके पकाऊंगी, उसके बाद मैं सर्व करते हुए आप इसे। चाट मसाला आप चाहें तो ऊपर से डाल लें इसमें, और मैंने इनको इसी तरह ठंडा होने के बाद में मैंने गैस बंद करके इसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं इसमें प्लेट में। अब इसी तरह के प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले और चाट मसाला से इसे और टेस्टी बना ले। और ओनियन मैंने सर्किल करके काट करके रखा है इसे सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तीखा अगर पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए, मैंने एक दो ही हरी मिर्च भी डाल दिए हैं, अभी डाल लें। और प्लीज़ आप लोग टेस्ट करके बनाए घर पे, खा करके बताएं कि कैसा बना है ये। बहुत ही कम समय में ये बन जाता है, आप इसे सफ़र में भी लेकर के जा सकते हैं, तुरंत ख़राब नहीं होता है। और पिकनिक पे जाए तो भी आप ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। बहुत जल्दी ये लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर में ये नाश्ते बन जाते हैं।
प्लीज़ आप लोग भी बनाएं और खाएं और मुझसे शेयर करें कैसा बना। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।